हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजारा ये इसमें। और ये एग्रीकल्चर का लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक हमने शुरू के 6 लेक्चर्स में अप्रॉक्सिमेटली हमने पूरी स्लाइड्स कवर कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। मेंस का काफी सिलेबस कवर किया है मैंने इसमें, और साथ ही साथ हमने पीडीएस मतलब बहुत ही लंबे में एक्चुअली मुझे 17-18 मिनट लग गए कंप्लीट पीडीएस को एक्सप्लेन करने में। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। एंड इन दिस लेसन और इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? तो देखो, फूड सिक्योरिटी एक्ट एक तरीके का आपको लीगल राइट देता है कि आपको खाना मिलना चाहिए। ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास किया गया, और इसमें बताया गया कि कुछ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल अर्बन में 50% लोगों को और रूरल में 75% लोगों को लीगल राइट है कि वो गवर्नमेंट से फूड सिक्योर कर सके, मतलब गवर्नमेंट से फूड प्राप्त कर सके। ठीक है, ये पीडीएस के अंदर ही होगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो यूनिवर्सल राइट नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब ये सबके लिए नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रूरल पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की गई है कि 75% लोगों को मिलेगी, और दूसरी अर्बन पॉपुलेशन जो 50% लोगों को आइडेंटिफाई की गई है, इन लोगों को ये मतलब लीगल राइट मिलेगा फूड सिक्योरिटी एक्ट का। एक और चीज, ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इन लोगों को दिन में प्रोवाइड नहीं हो पाई तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, ये लीगल राइट है, लेकिन गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू गिव इट। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है? इसके अंदर मतलब हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को हर महीने 5 किलो फूड मिलेगा। ठीक है, 5 किलो फूड मिलेगा। अब उसके पास ये ऑप्शन है, चाहे वो राइस लेना चाहे, चाहे व्हीट लेना चाहे, चाहे क्वार्क ग्रेन लेना चाहे, चाहे मतलब जो भी ये लेना चाहे, मतलब इट इज एक्चुअली विश ऑफ दैट इंडिविजुअल। लेकिन 5 किलो हर इंडिविजुअल, मतलब फॉर एग्जाम्पल फैमिली में 5 लोग हैं। ठीक है, अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो इन लोगों में हर एक बंदे को 5-5 किलो मिलेगा। अब उसकी बंदे की चॉइस है कि कोई राइस खाता है, कोई व्हीट खाता है, और कोई क्वार्क्स ग्रेन खाता है। ठीक है, अब जो राइस है वो 3 रुपए पर केजी मिलेगा, व्हीट 2 रुपए पर केजी मिलेगा, क्वार्क्स ग्रेन 1 रुपए पर केजी मिलेगा। ठीक है, अब आपकी हिसाब से जो भी आपको सही लगता है वो ले सकते हैं, जो भी इस पॉपुलेशन में आते हैं। और एट दी एंड इसमें मतलब एक मैटरनिटी बेनिफिट भी है, मतलब जो भी मतलब माँ गर्भवती है, ठीक है, जिसकी डिलीवरी होने वाली है, उसे 6,000 रुपए भी मिलेंगे। ठीक है, 6,000 रुपए मिलेंगे, इसे मे भी बढ़ा दिया गया है, आई डोंट रिमेम्बर, बट इफ यू अगर इसे इंक्रीज कर दिएगा तो आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी डिलीवरी में बस मिलेगा। अगर मान लो आपने तीसरी डिलीवरी कर दी तो 6,000 रुपए नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट मतलब प्लानिंग में काफी फोकस कर रही है, फैमिली प्लानिंग में, इसलिए गवर्नमेंट आपको तीसरी डिलीवरी में नहीं देगी, लेकिन शुरू की डिलीवरी में 6,000 रुपए जरूर देगी। फाइन, तो ये था फूड सिक्योरिटी एक्ट छोटा सा। अब हम यहां पर समझते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, देखो फूड प्रोसेसिंग का सिंपल आपको मतलब बताता हूं। अगर आप रॉ मटेरियल, ठीक है, जो सिंपल रॉ मटेरियल है, अगर उसको फॉर एग्जांपल की क्रॉप है, मान लीजिए छोड़िए शुगर है, ठीक है, या गन्ना है, या लेट्स टेक शुगर केन। ठीक है, अगर शुगर केन को आप किसी तरीके से, ठीक है, शुगर है, अगर आप उसे जैम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक रॉ फॉर्म था गन्ना, उसे आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट में मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कुछ चीजें मिला के किया होगा ना आपने, जैम बनाया होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, मतलब रॉ फॉर्म इनटू अ दैट मींस फाइनल प्रोडक्ट बाय सम वैल्यू एडिशन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फूड प्रोसेसिंग। और ये किसके द्वारा किया जाता है? अब ये घर में तो लोग करेंगे नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज में किया जाएगा, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, और देखो अब मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, मैं आपको ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया का ना फ्यूचर बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया की यहाँ पर जो रैंक्स है ना, मतलब और ग्रोथ स्टडी ये की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी इसमें फोकस कर रही है। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी मतलब जो को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, उसने बोला है कि इंडिया में मतलब इंडिया 5th रैंक है, मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन में फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल जो जैम है, जितने भी आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं ना, जो भी हम खाते हैं, जैम हो गया, सूप्स हो गए, ये सब इंडिया मतलब प्रोडक्शन करती है 5th नंबर पे है, और इनका जो कंजम्पशन करती है मतलब खाती है, सब यूज करती है, वो भी 5th नंबर में। साथ ही साथ हम 5th नंबर में इसके एक्सपोर्ट में भी है। और एक चीज बता दूं, ये जो इंडस्ट्री है इस टाइम पे सबसे जो सेक्टर जो ग्रो कर रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, अप्रॉक्सिमेटली 8-10% के आसपास ग्रो कर रहा है, और अभी तक ये 15 लाख लोगों को जॉब दे चुका है, और ऐसा फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आगे के 10 साल में ये 90 लाख लोगों को जॉब देगा, और ऐसा भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि फ्यूचर में मतलब $33 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फूड प्रोसेसिंग कितना इंपॉर्टेंट इशू बन गया, इसलिए यहाँ पर यूपीएससी ने अलग से फूड प्रोसेसिंग का मतलब जो टॉपिक है मेंशन किया है जीएस मेंस 3 में, इसलिए हम इसे अच्छे डिटेल में पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इसमें इतना डेडिकेटेड है कि गवर्नमेंट स्पेशली अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी इसके लिए, दैट मींस मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मेजरली यहाँ सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोसेसिंग का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ पांच चीजों में रह गया, फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स में, फ्रूट एंड वेजिटेबल में, मिल्क में, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में और बेवरेजेस में, ठीक है, यही एक रीजन है। इसी फॉर एग्जांपल अभी जो अंडे हैं और जो मिल्क है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं महंगे रहते हैं, जस्ट बिकॉज की आम जनता या मिडिल क्लास बस इसकी डिमांड नहीं करती, एक्चुअली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो भी इसकी डिमांड करती है, क्योंकि इनका प्राइस बहुत बढ़ता जा रहा है। और एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल जहां पर इसकी डिमांड ज्यादा, फॉर एग्जांपल जहां पर भी मिल्क की और ये एग्स की या फ्रूट्स वेजिटेबल की डिमांड ज्यादा है वहां पर समझ लीजिए वहां पर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इसकी डिमांड आपको पाकिस्तान में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज उनके पास इतनी इनकम ही नहीं है कि इसकी डिमांड करें। हम मतलब इनकम होगी तभी आप इन सब चीजों की डिमांड करेंगे, फॉर एग्जांपल क्योंकि सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं कि हमारा पेट भर जाए, ठीक है, पेट भर जाए, अगर लोगों का दाल चावल से पेट भर जाएगा तो लोग बोलेंगे नहीं यार तो न्यूट्रिशन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट एग्जांपल मतलब पीडीएस वाले में बता रहा था कि जब लोगों का पेट भर गया तो लोगों ने ये भी बोलना चालू किया कि सर आप उसमें मतलब वेजिटेबल्स ऑयल और ये पल्सेस का भी मतलब लाना चालू करिए पीडीएस सिस्टम में। इन द सेम वे अगर इन सबकी डिमांड बढ़ रही तो मतलब मिडिल क्लास किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो अच्छा सा आप देख रहे हैं कितना फायदा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। अब एक आपको एक और अच्छा सा फैक्ट बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के पास उसका सिर्फ और सिर्फ 2% जाता है और वो अप्रॉक्सिमेटली टोटल इनकम मतलब टोटल 32% कमाते हैं। एग्जांपल से बताता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए जाएगा मतलब 2 रुपए का जाएगा किसके पास, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के पास। बाकी का जो 98% है वो किनके पास रह गया, हमारे फार्मर्स के पास। तो उनकी कमाई कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्सिमेटली 30-40% कमाई होनी चाहिए थी, लेकिन जो 30-40% कमाई होती है इनकी हो जाती है, सिर्फ 2% यूज करके ये लोग 30-40% कमा रहे हैं। यहाँ पर देखो ऑफिशियल डेटा दिया होगा 32% ये लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितनी सही चीज है, अगर किसी को बिजनेस भी करना है तो इसमें करना चाहिए, ठीक है। और अभी तक जो इसका सबसे ज्यादा अच्छा हमारा फूड प्रोसेसिंग का चल रहा है वो है मिल्क का, मतलब 30% अभी तक हम मिल्क का यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, इसलिए मिल्क का प्राइस और एग्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और लेकिन इसका स्कोप है ना वो और भी फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अच्छा था फोकस कर रही है इसमें। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे सक्सेसफुल होगी इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमारे यहाँ क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आप हर टाइप का एग्रीकल्चर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भी देखने को मिल जाएगा, नॉट इन वास्ट अमाउंट बट इन सम अमाउंट यू कैन सी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। आपको यहाँ पर हर टाइप की वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल जैसे ठंडा एरिया है काश्मीर एंड ऑल दिस, वहां पर आपको ठंडे क्रॉप मिलेंगे, गर्मी वाले क्रॉप आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, मॉडरेट क्रॉप आपको मध्य प्रदेश वाले इलाके में मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आपको हर तरह क्लाइमेटिक वेरिएशन है जिसकी वजह से आपको सारे के सारे क्रॉप्स अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि हम बहुत सारे क्रॉप्स अवेलेबल करवा के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भेज सकते हैं। इसके बाद एक और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होती है, मतलब आपको कुछ अलग से लैपटॉप ये सब नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको सिंपल चीजें आनी चाहिए, मतलब जो एक लेबर को आती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मतलब चीप लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है, तो मतलब बहुत ही आराम से इन इंडस्ट्रीज को क्या लेबर भी मिल जाएंगे, स्किल भी नहीं चाहिए तो बहुत आराम से लेबर चली भी जाएंगे। फिर हम सेकेंड पोजिशन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड में, थर्ड पोजीशन में है फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में, सेकंड पोजीशन में है लाइफ स्टॉक को प्रोड्यूस करने में, और फर्स्ट पोजीशन में हम स्पाइसेस और मिल्क में। मतलब समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। और इन सब की जरूरत कहाँ है, इन सब की जरूरत कहाँ है हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इन सबको लगाएंगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, मतलब इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, इसलिए गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा है, हर चीज में कुछ ना कुछ बेकार होता है। इसमें सबसे बेकार चीज ये है कि हमारे यहाँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम ये होता है, मतलब कि अब देखो अब जो भी मैंने आपको बताया जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है, फिर अंडे, या फिर हमने आप बात की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो सब ना बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, आप सब जानते हैं ना बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, या तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी पास हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जो खेत है मतलब जो फार्म लैंड है जहां से और जहां पर इंडस्ट्री है उसके बीच में पॉइंट ऑफ कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बीच में रोड खराब है या फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बीच में जितना भी फूड है वो अपने मतलब जो ट्रक है उसी में रखा रखा खराब हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करना, आप सब जानते हैं इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्लान लेके आया है जिसका नाम है मेगा फूड पार्क। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कम्प्लीटली एक सिटी टाइप बनाया जाएगा जिसमें एक अलग से एग्रीकल्चरल फार्म होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर दूर में कुछ 5-10 किलोमीटर दूर पर फैक्ट्री होगी, ठीक है, और यहाँ पर रोड्स बहुत अच्छी रखी जाएंगी, ठीक है, कंप्लीट ऐसा मेगा फूड पार्क बनाया जा सकता है जहाँ पर पूरा कनेक्टेड होगा और कम्प्लीटली यहाँ पर फार्म लैंड से लेके तुरंत मतलब इंडस्ट्री में डाल दिया जाएगा, प्रोडक्शन होकर तुरंत मार्केट में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, तो समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टूवर्ड्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फाइन,
अब हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज के ऊपर, ठीक है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज क्या होती है। आई एम टेकिंग दिस लेक्चर टू अ लॉन्ग एक्सटेंड, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसी लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, ये 20 से 25 मिनट भी जा सकता है, ठीक है, बट आप बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लेक्चर, फाइन। इसके बाद हम आते हैं फार्म सब्सिडीज पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज पे। सबसे पहले तो हमें समझना है कि सब्सिडीज क्या होती है, ठीक है, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ सब्सिडीज दे रही, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही, सब्सिडीज होता क्या है। सब्सिडीज इस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस लाइक पैसे प्रोवाइड कर पाती है या कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करवाती है अगर आप कोई चीज लेने के पर्याप्त में नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जो इंडस्ट्री वालों को क्या चाहिए होगा कि गवर्नमेंट उन्हें रॉ मटेरियल सस्ते में दे दे तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो सब्सिडी किसके लिए है, इंडस्ट्री वालों के लिए। अब जैसे हम जैसे लोग हैं कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे अपन लोग सीएनजी गवर्नमेंट अपन को सस्ते में दे रही है क्योंकि अपन लोग 1000 रुपए में नहीं खरीद सकते हैं, फाइन, तो गवर्नमेंट अपन को सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। मतलब एक तरीके फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जिससे कि लोग उसे बहुत ही आराम से एक्सेस कर पाए, ठीक है, इसे तो हम सब्सिडी बोलते हैं। और एक चीज बता दूं, सब्सिडी होता है ना जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, याद करिए फिस्कल सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो समझ लो गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, तो ये सब्सिडीज कम होनी चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट सोशल जस्टिस के लिए, अगर देखो गवर्नमेंट अगर हमें सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करवाई तो सोचो क्या आप और हम सब लोग बहुत ही आराम से सीएनजी ले पाएंगे, मतलब 1000 रुपए का खर्चा ऊपर से या 400 रुपए हिंदू का लगना, ये सब चीजें, तो मतलब इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि खर्च कर पाएगी। फिर भी गवर्नमेंट अपनी अपने अपने खुद के घाटे में रह के हम सबको ये सब प्रोवाइड करवा रही है, किस लिए, बिकॉज कि कोई भी आदमी हमारे यहाँ भूखा ना सोए, फाइन। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, मैं सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवा रही है। और देखो आप जो सब्सिडीज होती है दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट सब्सिडी, ठीक है, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी। अब जो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली बंदे को दी जाए, मतलब डायरेक्टली बंदे को फायदा हो, मतलब फॉर एग्जांपल इंसान को फायदा हो, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट सब्सिडी। और इनडायरेक्ट वो कि फायदा तो फाइनली एट द एंड हमें ही हो रहा है लेकिन वो सब्सिडी किसी और को दी जा रही है। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, फॉर एग्जांपल कि अब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी एग्रीकल्चरल, जो मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि एग्रीकल्चरल जो इनकम होती है गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, तो गवर्नमेंट को तो यूजुअली हमसे लेनी चाहिए एग्रीकल्चरल इनकम जो भी फार्मर्स है, लेकिन उनसे नहीं ले रही है, तो उन्हें तरीके की डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है, मतलब सीधा फायदा बंदे को हो रहा है, मतलब जो किसान है उसको हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, मतलब कि फायदा तो आप ही को होगा लेकिन जो पैसे हैं वो किसी और को दी जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम सीएनजी की बात करते हैं, जो मतलब जो सीएनजी प्रोवाइड करते हैं, गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाते हैं, अब जो गैस सिलेंडर कितने का है, हमारा तो 952 का है, लेकिन अब गवर्नमेंट हमें सीधे मतलब सॉरी तो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, तो ये वाला एग्जांपल काम नहीं करेगा, हमें जाना पड़ेगा फर्टिलाइजर की तरफ। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर पे आते हैं, ठीक है, अब फर्टिलाइजर रियलिटी में होता है 100-200 रुपए का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब जो फार्मर्स को कितने मिलता है 50 रुपए का। अब जो 50 रुपए अब ये गवर्नमेंट किसको देती है, गवर्नमेंट दे देती है जो उसे मतलब जो फैक्ट्रीज रहती है सस्ते में उपलब्ध करवाती फार्मर को, उन्हें 50 रुपए दी जाती है, तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। मतलब कि रियल में जिससे फायदा हो रहा है उसे सस्ते में दिया जा रहा है, लेकिन जो उसे सस्ते में प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट उसको वो पैसा कंपनसेट कर दे रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। अब देखो सेंटर कौन कौन सी सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है और जो स्टेट कौन कौन सी सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो जान लेते हैं। सेंटर हमें एग्रीकल्चर मतलब फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है और क्रॉप इंश्योरेंस देती है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने आपको अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और फर्टिलाइजर में सब्सिडी प्रोवाइड होती है एनपीके, ठीक है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं लेती है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम किसका पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, फिर भी कोई भी इनकम नहीं लेती है तो ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाती है, मतलब ये डायरेक्ट सब्सिडी है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आपको इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, सस्ते में इरीगेशन देती है, ठीक है, ये भी एक सब्सिडी है। अब देखो क्रॉप इंश्योरेंस क्या रहती है, हर बार स्टेट की सेंटर की सक्सेसफुल नहीं होती है, इसलिए ये लोग स्टेट गवर्नमेंट खुद की क्रॉप इंश्योरेंस मतलब सब्सिडीज निकालते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी आपको सस्ते में प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सब्सिडी जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ही सस्ते में प्रोवाइड करवाती है, मतलब किसान ज्यादा लॉस में ना जाए उसके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाती है, फाइन। और ये जो सब्सिडीज होती है, अब इसका एक बहुत ही बड़ा लॉस है, ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द बिग लॉस ऑफ इट। देखो अब जो सब्सिडीज क्या है कि गवर्नमेंट का भी कुछ कोटा रहता है कि फॉर एग्जांपल हम 25% देंगे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, 50% डेवलप देंगे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। अब देखो जब गवर्नमेंट सब्सिडीज के नाम पे जैसे लोन वेवर दे दिया, ठीक है, अब यूजुअली गवर्नमेंट को लोन वेवर देना नहीं चाहिए। देखो मैं जानता हूं कि ये सही है कि किसान बेचारे लॉस में लोन वेवर दे देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है, क्यों, बिकॉज 25% पूरा गवर्नमेंट सब्सिडीज में ही खर्च कर देती है और गवर्नमेंट को कुछ मतलब कुछ इससे डेवलप भी नहीं हुआ, ना ही कोई डैम बनाया, ना ही कुछ
अलग से कोई मतलब नई रोड बनाई, ना ही कुछ इरिगेशनल फैसिलिटी इक्विपमेंट फ्री में लोगों को प्रोवाइड करवाए, सीधा गवर्नमेंट पूरा पूरा पैसा लोन वेवर में उड़ा दिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी में उड़ा दिया, क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडी में उड़ा दिया, जिसकी वजह से क्या होता है ये डैम्स और ये सब चीजें नहीं बन पाती, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इंप्रूव नहीं हो पा रहा, मेन हमारे एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज कि हमारे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही एग्रीकल्चर में, मतलब नई नई ट्रैक्टर लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सब डेवलप नहीं होगा तो आप खुद ही सोचिए एग्रीकल्चर कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो यही एक रीजन है सब्सिडीज का, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमारे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। फाइन, तो जैसे ऑल अबाउट सब्सिडी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ सब्सिडी का जो मेजर पोर्शन है कहाँ कंप्लीट करेंगे, WTO वाले लेक्चर में, जो कि इंडस्ट्री के बाद आपके सामने आएगा। फाइन, अब फाइनली वी आर मूविंग टू द वेरी लास्ट टॉपिक विच इज नन अदर देन एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल हस्बेंड्री में ना सिर्फ आपको मतलब बताऊंगा एनिमल हस्बेंड्री का, बाकी एनिमल हस्बेंड्री में आपको मेजर फोकस रखना है स्कीम्स पे, ठीक है। जो भी स्कीम्स आएंगी मे बी मैं ट्राई करूंगा फ्यूचर में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं क्या क्या स्कीम्स है एनिमल हस्बेंड्री की, या फिर खुद ही एक लेक्चर ले गया हूं, ठीक है। तो बाकी एनिमल हस्बेंड्री का सिर्फ मतलब बता रहा हूं, देखो बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, एग्रीकल्चर विदाउट एनिमल हस्बेंड्री इज यूजलेस, और इसके लिए और ये एनिमल हस्बेंड्री इसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज और ये आती है कि एनिमल हस्बेंड्री क्यों रखा गया, मतलब एनिमल को एग्रीकल्चर के पार्ट में क्यों रखा गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सडन शॉक लग गया, मतलब किसी फार्मर ने बहुत ही ज्यादा अच्छी क्रॉप उगाई लेकिन कुछ ड्रॉबैक, मतलब कुछ डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल बेकार हो गई। अब वो क्या करेगा, ठीक है। अब उसके पास तो कुछ खाने को होगा ही नहीं क्योंकि पूरी फसल तो बेकार हो गई, अब उसकी हेल्प भी नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है हमारे इस फार्मर के द्वारा, हमारे जो फार्मर साहब है वो क्या करेंगे, वो अपने पास उनके पास गाय भैंस ये सब बकरी होंगी, उनका दूध निकालेंगे, उसे पनीर बेचेंगे, ठीक है। और जो आप तो उससे यहाँ पर इनकम हो जाएगी, और ऊपर से आपने ये भी देखा होगा फार्मर्स में क्या रहता है कि बहुत सारा जो एक्स्ट्रा वीड्स डेवलप हो जाता है, चारा कहते हैं जिसे, और ऊपर से जब भी स्टबल डेवलप हो जाता है जिसे फार्मर जला देते हैं, तो उस फार्मर को जलाए बिना ये सब किए बिना वो लोग बहुत ही ज्यादा एनिमल्स रख सकते हैं और उनको बहुत सारे स्टबल और चारा दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो एक्सेस ऑफ जो प्रोडक्शन जो रहता है जलाया जाता है वो भी नहीं जलेगा, और ऊपर से जो हमारे गाय और भैंस है ये सब भी बड़े मोटे ताजे हो जाएंगे, अच्छा दूध और पनीर मिलेगा, ठीक है। तो इस कुछ तरीके से एनिमल हस्बेंड्री काम करती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, बता चुका हूं यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीजें स्कीम्स, ठीक है। तो स्कीम्स आपको यहां पर पढ़नी पड़ेंगी, तो स्कीम के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर आई विल ट्राई टू गिव अ सेपरेट लेक्चर ओवर इट, ठीक है। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सीरीज। अब हम इंडस्ट्रीज चालू करेंगे, एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुका हूं, दैट वाज अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत मेहनत लगी भैया, तो अपने पॉजिटिव रिव्यूज दीजिएगा, शेयर करना ना भूले बिकॉज हमारी बहुत मेहनत लगती है, आप समझते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सीरीज।